वेलकम फ्रेंड्स, और हम बात कर रहे हैं इंडियन जुडिशरी की। एक वीडियो हम ला चुके हैं और अब आज है दूसरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज जुडिशरी और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। फिर हमने बात करी जुडिशरी की हिस्ट्री के बारे में मॉडर्न इंडिया में, और फिर हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी की। और अब आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम पहुंचे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंपेरिजन विद फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए। हम पढ़ेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, एक बात आप समझिए, जितने भी हम पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें कंपैरिजन जरूर पढ़ना है, इधर विद यूएसए और विद दी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें उनसे पढ़ना है या फिर दोनों के साथ हमें पढ़ना है। वो हमें हमें क्यों पढ़ना होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों हम कंपेयर करते हैं? कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बनाया गया है, ठीक है। और इसलिए इसे बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैच वर्क। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले आज के फर्स्ट टॉपिक की, द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो देखिए, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप समझेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है और कहीं पे है नहीं। बट इट इज नॉट एज सिंपल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे अदर, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, पीसीएस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें कोई भी चीज़ होती है उसे बहुत क्लैरिटी के साथ और कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ हमें पढ़ना होता है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो उसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जब बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है सुप्रीम, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि दिल्ली जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ये मेंशन है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी? तो हाँ, ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब आगे देखिए, और दूसरी बात क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो ये भी कहता है, ऑल्सो सेज द सीजेआई मीन्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द सीजेआई कैन अपॉइंट एनी प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझिए, सीजेआई जो है वो क्या करता है, वो किसी भी प्लेस को सुप्रीम कोर्ट की सीट अपॉइंट कर सकता है अदर देन दिल्ली। बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अप्रूवल अगर होगा तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन, ये दो प्रोविजन हमारे पास दे रखे हैं। एक प्रोविजन तो ये है कि जिसके अंदर सीधे सीधे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिल्ली जो होगा वो सीट होगा सुप्रीम कोर्ट की। और सेकंड प्रोविजन में क्या लिखा है, सुप्रीम प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि वो किसी भी अदर प्लेस को अदर देन दिल्ली उसे सुप्रीम कोर्ट की सीट डिक्लेयर कर सकते हैं। पर यहां पर क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का। अब देखिए, इसमें एक और बात है, ये जो प्रोविजन है, हमने इसकी जो बात करी है इस वाले प्रोविजन की, दिस प्रोविजन इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। ये प्रोविजन जो है ये ऑप्शनल प्रोविजन है। व्हाट डज इट मीन कि ये ऑप्शनल प्रोविजन है? देखिए, ऑप्शनल प्रोविजन का मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट जो कंट्री में है, ठीक है, एनी कोर्ट प्रेजेंट इन आवर कंट्री कैन नॉट डायरेक्ट द प्रेसिडेंट टू मेक अ प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या मतलब हुआ कि कोई भी जो कोर्ट है हमारे देश में, कोई भी न्यायालय है, वो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता, डायरेक्ट कर सकता राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, कि वो किसी भी प्लेस को जो है वो सीट बना दें सुप्रीम कोर्ट की। ना वो सीजेआई को डायरेक्ट कर सकता है, ना वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो
इसलिए ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग। बाइंडिंग मीन्स किसी भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर जो है उसे बाईपास नहीं करा जा सकता और प्रेसिडेंट को सीट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो है ये ऑप्शनल होता है। ना तो सीजीआई को बाइंड करा जा सकता है इसके ऊपर, कोई भी कोर्ट ये ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है, और ना ही प्रेसिडेंट को बाइंड करा जा सकता है कि कोई भी कोर्ट जो है उस ऑर्डर को इशू करे। ये अभी हम समझेंगे जब प्रेसिडेंशियल पावर्स को पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा, और जब हम सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि होता कैसे है, कहाँ पे क्या है। प्रेसिडेंट को पढ़ते वक्त हमें काफी चीजें क्लियर होंगी कि कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट को जो है वो बाइंडिंग है और कहाँ कहाँ जो है वो बाइंडिंग नहीं है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमने तीन बातें पढ़ी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक आप सिर्फ शायद आप एक ही जानते थे, ठीक है, कि वो सिर्फ दिल्ली सीट है, पर उसके पीछे रीजन क्या है, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसे एम्पावर करता है इसको नई सीट बनाने के लिए। पर एज ऑफ नाउ जिस स्टेट में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ एक ही सीट है एट प्रेजेंट, विच इज इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द आर कंट्री, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कंपेरिजन ऑफ आर सुप्रीम कोर्ट विद द फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एंड द पीसीएस एग्जामिनेशंस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस वहां पर है। तो अब हम उसकी हम बात ये कर करेंगे। चुके हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन विद फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्क्रिप्टिव में ये आता है और वहां से आपकी डीप नॉलेज चेक करी जाती है कि आपको टॉपिक के बारे में इन डेप्थ पता है या नहीं। और आप इसे जब टॉपिक को किसी भी टॉपिक के अच्छे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो आपको उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इसे कंपेरिजन पढ़ेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में और फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए की। उससे पहले हमें समझना जरूरी होगा कि यूएसए क्या है। देखिए, यूएसए इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब इस बात का हमें मतलब समझना होगा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है। देखिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब यह है कि हमारे पास जो है पहले से कुछ ना कुछ, मतलब पहले हमारे पास स्टेट्स थी एग्जिस्टेंस में, और उन सभी स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सबको पता है कि यूएसए में क्या है, 50 स्टेट्स हैं। तो इन सभी 50 स्टेट्स ने, पहले से एग्जिस्टेंस में थी, इन सब ने डिसाइड करा कि अब हम सब मिलके साथ में रहेंगे और एक कंट्री बनाएंगे, जिस कंट्री का नाम हुआ यूएसए, और उसी से नाम आया क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए, क्योंकि ये स्टेट्स पहले से एग्जिस्टेंस में थी तो इन सभी स्टेट्स का अपना एक सेट ऑफ रूल्स था, जो कि लॉ थे इनके, वो चल रहे थे। और यानी इन सभी स्टेट्स का जो था अपना क्या था, स्टेट्स क्या जो था अपना, दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको जैसा पता है कि सेट ऑफ लॉज होता है, तो इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर जब एक ये फेडरेशन बन गया स्टेट्स का और कंट्री बन गया, तो इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे यूएसए का है, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज होते हैं उन्हें बोलते हैं फेडरल लॉज, और जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं उनको उन्हें बोलते हैं स्टेट लॉज। तो देखते हैं, समझते हैं अब क्या है। देखिए, जैसे हमारे यहां पर क्या है, हाई कोर्ट्स हैं और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसी मैनर में हमारे पास यहाँ पर यूएस के अंदर क्या है। देखिए, यूएस के अंदर भी स्टेट लेवल के कोर्ट्स हैं और एक हमारे वहां पर फेडरल कोर्ट है। जो स्टेट कोर्ट्स हैं, देखिए, जो स्टेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, उनका काम है टू वर्क फॉर द स्टेट लॉज, ठीक है। और जो फेडरल कोर्ट है, और इसमें ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में इस बात को हम कह सकते हैं क्या, टू एनफोर्स दी स्टेट लॉज। और फेडरल कोर्ट का काम क्या होगा, फेडरल कोर्ट का काम होगा टू एनफोर्स दी फेडरल लॉज, ठीक है। तो देखिए, आपकी समझ आया कि स्टेट कोर्ट्स का काम हो गया जो वहां पर स्टेट की लॉज हैं, जो उनके स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, उनको एनफोर्स करना, और फेडरल कोर्ट का काम है जो फेडरल लॉज हैं, जो वहां के अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखी हुई है उनको एनफोर्स करना,
ये काम है वहां की कोर्ट्स का। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों का जो वर्क है वो सेपरेट है। स्टेट कोर्ट्स जो है वो स्टेट पे काम करेंगी और यहाँ पर जो फेडरल कोर्ट है वो फेडरल लॉज को एनफोर्स करेगी। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। देखिए, अब आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में पता है बहुत अच्छे से, इंडिया के अंदर क्या है, देर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, देर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन एट नेशनल लेवल, ठीक है, या हम लिख सकते हैं फॉर इंडिया एज होल। और स्टेट्स का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं है। आज जिस डेट में हम ये बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए द पार्लियामेंट हैज रिपील्ड द आर्टिकल 370, ठीक है, द पार्लियामेंट हैज एब्रोगेटेड दिस आर्टिकल 370। आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है पार्लियामेंट ने, बिल पास हो गया है और इसे प्रेसिडेंट का नोट भी मिल गया है, तो ये खत्म हो गया है। और जे एंड के को जो है बाइफरकेट कर दिया गया है, किससे, ये स्टेट हुआ करता था पहले से, बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरी में हमने डिवाइड कर दिया। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसे यहां पर बताने का जो मोटिव है वो ये है कि जे एंड के का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था पर अब वो चीज खत्म हो गई है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे क्या पार्लियामेंट ने क्या करा है और जे एंड के में हमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पर आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब ये पहले भी था तो भी इतना इंपैक्ट नहीं डालता था, उसकी बात हम तभी करेंगे जब वो वीडियो बनेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिया का सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पूरे इंडिया के लिए है, ठीक है। तो यहां होता क्या है, देखिए यहां बात आती है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि हाई कोर्ट सभी स्टेट लेवल पर होता है, सभी स्टेट्स का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। तो हाई कोर्ट चेक करेगा जो लॉज बनाई है किसने, स्टेट्स ने, जो लॉ स्टेट्स ने बनाई है दे आर इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट तो नहीं कर रही है, उसके किसी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही है। ये काम है हाई कोर्ट का चेक करने का, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या चेक करेगा, प्राइमरीली तो वो ये चेक कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाई है, जो यूनियन ने लॉ बनाई है, वो लॉ इन इन लाइन है क्या, जो सुप्रीम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग है, नहीं है तो फिर वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। पर देखिए यहां पर होता क्या है, यहां जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वो चैलेंजिएबल है सुप्रीम कोर्ट में। इसे जब हम हाई कोर्ट पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शंस की बात कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझने के लिए काफी है कि जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है वो चेक करेगा नहीं, पर दोनों के दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के परव्यू में काम कर रहे हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रहे हैं, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक चीज यहां पर यह आती है कि भाई आप समझेंगे अभी से हम डिटेल में, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, पर उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे। इंडिया के बारे में एक बात है कि इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन है या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो देखिए हमारा आर्टिकल 1 तो बहुत क्लियरली कहता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कोट किया था आपको, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पर एक बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, प्रोफेसर केनेथ वियरी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। मतलब उन्होंने कहा कि भाई पूरे तरीके से फेडरल नहीं है, कुछ जो फीचर्स हैं वो फेडरेशन के हैं और कुछ फीचर जो है यूनिटरी हैं यहां पर, क्योंकि जब एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फीचर हमारे यहां है तो ये क्या शो करता है कि इंडिया इज अ फेडरेशन। पर इंडिया की जो स्टेट्स हैं, जैसे हमने बेसिक यहां डेफिनेशन में पढ़ा था यूएस के बारे में कि यूएस इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और स्टेट्स पहले से एक्सिस्टेंस में थी, पर हमारे यहाँ का जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर वो आउटकम है किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारी स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड नहीं करा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, देर वॉज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और उसके बाद ये हमारी अलग अलग स्टेट्स बनी। और आज भी पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट को डिवाइड करने का, किसी भी स्टेट का रीनेम करने का वो पावर है, ठीक है। और ये भी उसी पावर के अंदर एक्सरसाइज किया गया है, जब हम इस पे वीडियो बनाएंगे मैं आपको बताया तब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी हम यहां समझे कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, ये प्रोफेसर केनेथ वियरी ने कहा था, और इसे हम दूसरी सेंस में बोलें तो इंडिया इज अ केस ऑफ सुई जेनरिस,
ठीक है, तो पर वो हम बात करेंगे, अभी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे। तो आज हमने ये दो टॉपिक कंप्लीट करें, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार दोबारा से इसे रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। यूएसए इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स पहले से थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंट्री बनेंगे, तो इसलिए फेडरेशन कहा गया, इसलिए इसका नाम है, दस द नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि स्टेट लॉस बताता है, और एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो फेडरल लॉस बताता है। जो वहां पर स्टेट कोर्ट्स हैं वो स्टेट लॉस के लिए काम करती हैं, एनफोर्स करती हैं स्टेट लॉ को, और फेडरल कोर्ट जो है वो एनफोर्स करता है फेडरल लॉस को। फिर हमने बात करी इंडिया के रेफरेंस में, तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी कंट्री के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट टेस्ट करता है वो सभी लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाई है, और हाई कोर्ट करता है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई है। ये दोनों का काम होता है, हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजन हैं वो चैलेंजेबल हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम ज्यूरिस्डिक्शन पढ़ रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का। आज की डेट में इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जे एंड के इज नो मोर स्टेट, और उसका जो स्पेशल एक स्टेटस था, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी अब खत्म हो गया है। और हमने बात करी थोड़ी सी प्रोफेसर केनेथ वेरी के बारे में, केनेथ वेरी ने कहा इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, और इनकी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको इससे बहुत कुछ समझ आया होगा। तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच।